अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है गाइस? ठीक है। अच्छा, आज हम आपको सिखाएंगे जी किस तरह से हम टीपी लिंक का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जो उसका ऑलरेडी पासवर्ड उसके बैक साइड पे लिखा होता है, उसको चेंज किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हम आगे किसी भी वेब ब्राउज़र पे आप जा सकते हैं। ये हम फायरफॉक्स पे आके ये लिखते हैं 192.168.0.1। तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा टीपी लिंक का। जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर हमें पासवर्ड ऐड करना होगा और नीचे पास 345 ही पासवर्ड होता है इसका। तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। ये जी आके हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। हम डायनामिक आईपी है हमारे, हम डायनामिक आईपी पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट कर लिया। फिर हमारे पास ये है, इसको इनेबल तो नहीं करने की ज़रूरत, हम इनेबल नहीं करते, नेक्स्ट करते हैं। ये हमारे पास जैसे कि डिवाइस नेम और पासवर्ड आ गया। ये जो हमारा वायरलेस नेटवर्क है उसका नाम है नीचे और उसका पासवर्ड है, इसको बेसिकली हमने चेंज करना है। अच्छा, तो इसको हमने रेज कर लिया। रेज करके हम अपना नाम लिखते हैं। ये हमने फर्ज करें नाम ये लिख लिया, पासवर्ड हम ये इस तरह से लिख लेते हैं। ये जी हमने अपना मर्जी का पासवर्ड रख लिया, ये हमने नाम रख लिया। इसको नेक्स्ट करते हैं। तो ये हमें शो भी कर रहा है कि ये हमारा फिर अब लाइक राउटर नेम होगा जिस पे ये पासवर्ड होगा। अगर तो हम वायरलेस कनेक्ट वो कर रहे हैं यूज़, तो वो हम लेकिन वायर्ड वाला कर रहे थे तो हमने वायर्ड वाला क्लिक कर लिया। ये सब कुछ हो गया। अब हम इसको सेव कर लेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर सेव हो जाएगा। तो फिर हमारा नया पासवर्ड और नाम जो है डिवाइस का वो शो होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। दुआ में याद रखिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ।